राहुल गांधी आए दिन आम जनता से मिलते रहते हैं और लोगों की हाल खबर जानते रहते हैं। इस काम से वह हमेशा सुर्खियों में बने रहते हैं और लोग उनसे भी जुड़े रहते हैं। इस क्रम में राहुल गांधी ने दिल्ली के जीटीवी नगर में रेहड़ी पटरी वाले दिहाड़ी मजदूर से मुलाकात की। कांग्रेस ने अपने आधिकारिक एक हैंडल पर फोटो शेयर किया जिसमें राहुल गांधी श्रमिकों के साथ काम करते नजर आ रहे हैं। बता दें कि पहले भी राहुल गांधी कई बार रेहड़ी पटरी वाले श्रमिकों से मिलने जा पहुंचे हैं। राहुल गांधी की फोटो शेयर करते हुए कांग्रेस ने कहा, आज नेता विपक्ष राहुल गांधी ने जीटीवी नगर में श्रमिकों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी। ये मेहनती मजदूर हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। इनके जीवन को सरल और भविष्य को सुरक्षित रखना हमारी जिम्मेदारी है। बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 में कांग्रेस ने अपनी घोषणा पत्र में औद्योगिक और श्रम कानून में सुधार लाने का वादा किया था। इसके साथ ही उन्होंने मनरेगा मजदूरी को बढ़ाकर 400 प्रतिदिन देने का भी वादा किया था। साथ ही कांग्रेस ने सत्ता में आने पर प्रतिदिन इतनी ही पैसे का राष्ट्रीय न्यूनतम वेतन देने की भी घोषणा की थी।